अरे यार पंचर हो गया। Hey guys, this is Fatbik of Vaibhav. This is the e-motorized Doodle, a foldable electric bicycle that packs a punch. Before I tell you about this bicycle, मैं बताया तो इसमें सब्सिडी मिलती है 15,000 रुपीस की, उसके बारे में आपको लास्ट तक बताऊंगा। I would say for a person who is using for this first time, उनको ये लगेगा ये स्कूटर एंड एक बाइसिकल का कॉम्बिनेशन, बिकॉज इसकी जो शेप है काफी डिफरेंट है। एंड मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये फोल्ड कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मैकेनिज्म देखेंगे, इसको अनलॉक करना है एंड ऐसे करके खोल देना है, आपको जो फ्रेम है वो हाफ हो जाएगा यहीं पर। साथ साथ में जो हैंडल है इसका भी लॉक खोल देते हैं, हैंडल बार पे इसको अनलॉक करके ये भी खोल दीजिए एंड आपका हैंडल बार फोल्ड हो जाता है। एंड इन द लास्ट, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट जाना तो पेडल भी यहाँ पे फोल्ड कर सकते हो। दिस इज हाउ कॉम्पैक्ट इट इज। इसमें जाके मेट्रो में ट्रैवलिंग कर लो या गाड़ी की डिक्की में रख लो एंड कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हो, ज़्यादा ही हो गया छोटे भाई। इट गेट्स अ फ्रंट सस्पेंशन दैट टू विद लॉकआउट। इसकी जो बैटरी है दैट इज रिमूवेबल एंड वो भी आपकी लॉक की के साथ आती है। देयर आर कैरियर अटैचमेंट्स एट द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द बैक। पीछे का तो आपको कैरियर मिल जाता है लेकिन फ्रंट का शायद अलग से बाय करना पड़ता है आपको। सो बेसिकली आपके पास बैग है या कोई भी सामान है पीछे लगा सकते हैं एंड और भी आपको ज्यादा कस्टमाइज करना पड़ सकते वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर देख सकते हैं यहाँ पे जोमेटो बैग साइड पे लगाया हुआ है, पीछे साइड पे भी जगह बन जाती है एंड ऊपर भी जगह बन जाती है। आई सॉ दैट इसमें 35 kg की वेट लिमिट लिखी हुई है लेकिन इससे भी ज्यादा आई थिंक वेट कैरी कर सकती होगी। देयर आर ऑल्सो मडगार्ड एट द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द बैक, लेकिन फ्रंट का मैंने निकाला जस्ट बिकॉज ऑफ द लुक्स एंड पीछे का मैंने इसलिए निकाला बिकॉज उसको निकालना थोड़ा सा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। अगर आप क्रैंक सेट देखेंगे फ्रंट का, दैट इज फ्रॉम प्रो व्हील एंड वो काफी ज्यादा बड़ा है। द रीजन इज दैट कि इसके जो टायर है दैट आर स्मॉल एंड ड्राइव ट्रेन को आपको स्पीड में लाने के लिए इतनी बड़ी क्रैंक रिंग की जरूरत पड़ती है। देयर इज अ बिग डिस्प्ले एट द फ्रंट एंड अगर मैं इसका सिलिकॉन कवर निकालता हूं तो मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम इफेक्ट आता है। मे बी सिलिकॉन कवर इसलिए लगाया हुआ है कि रेन से प्रोटेक्शन हो एंड एक्सीडेंटल डैमेज से भी ब्रेक ना हो। इसमें आपके काफी मोड्स आते हैं, जैसे आपको थ्रॉटल आता है, देन आपका पेडल असिस्ट भी आता है, लेकिन जो पेडल असिस्ट है वो मैं इतना यूज नहीं करता हूं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिसएडवांटेज बताऊंगा। इवन पेडल असिस्ट जो मोड्स है उसमें आपको 5 मोड्स जाते हैं एज अ स्टॉक, लेकिन आप उसको चेंज करके 9 मोड्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में आपको स्पीडोमीटर, एनर्जी बार, ऑडोमीटर हर चीज इसमें मिल जाती है। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इस बाइसाइकिल को कैरी करने के लिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया जाता है, तो आप ऐसे करके इसको उठा सकते हैं बहुत ही इजीली। मे बी ये जो ट्रेंड है ये अलग साइकिल्स को फॉलो करना चाहिए या फिर अलग से एक स्ट्रैप टाइप का देना चाहिए हर साइकिल्स में, एंड स्पेशली जब फोल्ड करते हो तो इसको कैरी करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गीकी स्टफ कि ये कितने चार्ज करने में कितना चलती है, कि आपको कॉस्टिंग बढ़ती सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो बैटरी है दैट इज 36 वोल्ट एंड उसमें 10.4 AH बैटरी मिल जाती है। द फ्रेम साइज इज 16 इंच एंड ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है। द मोटर इज 36 वोल्ट × 250 वॉट। सस्पेंशन ट्रैवल देखेंगे दैट इज 60 mm एंड आई थिंक जब मैं इसमें सस्पेंशन यूज कर रहा था तो मुझे जस्ट इनफ ही लग रहा था। अगर आप चार्जिंग टाइप की बात करेंगे तो 3 घंटे में 80% तक चार्ज हो जाती है एंड इसमें आपको 7 स्पीड का पीछे शिमानो 200 डिरेलर भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको सारी गियरिंग भी मिल जाती है जिसमें आप पेडल भी कर सकते हैं आराम से एंड हर स्पीड पे आपको एफिशिएंसी मिल जाती है। अगर आप रेंज की बात करेंगे 30 km ऑन थ्रॉटल एंड अगर पेडल असिस्ट देखेंगे तो वहां पे आपको 35 km की रेंज मिल जाती है। टू बी ऑनेस्ट जो मुझे लगा वो रेंज काफी ज्यादा कम लगी, लेकिन मुझे लगता है फिजिकली हो सकता है टेस्ट पैरामीटर्स हो, फिजिकली ज्यादा चल जाए या फिर जो कंपनी है वो अंडर एस्टिमेट कर रही हो बिकॉज ऑफ द सब्सिडी रूल्स, बिकॉज इस बाइसाइकिल में आपको सब्सिडी मिल जाती है। अगर हम टायर साइज देखेंगे दैट इज 20 इंच एंड इसकी जो विड्थ है दैट इज 4 इंच वाइड। साथ में आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन मिल जाता है। जब मैंने इसकी ब्रेक प्रेस करी कुछ ज्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी, मे बी बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ टायर्स। नॉट टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द बाइसाइकिल, दिस इज काइंड ऑफ अपराइट। जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारे जो हैंडल बार होते हैं बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं, सीट बहुत ऊपर होती है। इसमें अलग ही लेवल है, इसमें आप ऐसे स्ट्रेट करके बैठते हो तो आपकी जो बैक होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है एंड मे बी आपको थोड़ा सा ये कंफर्टेबल भी लगे एंड इट्स रियली गुड फॉर समवन हु हैज बैक इश्यूज। सेकंड, इसमें जो सीट थी मुझे काफी ज्यादा वाइड लगी एंड मुझे काफी ओवर कंफर्टेबल भी लग रही थी। नाउ ओवर कंफर्टेबल वाली चीज भी मैं आपको डिसएडवांटेज में बताऊंगा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे दिस इज अ मल्टीपर्पज बाइसाइकिल, तो आप शॉपिंग करने जा रहे हैं आप वो भी लेके जा सकते हैं, आप अगर साइकिल राइड पे जा रहे हैं वो भी कर सकते हैं, तो मतलब गाड़ी में रख के जाओ इसको। करोलबर टाइप की मार्केट है, चांदनी चौक टाइप की मार्केट है, वहीं पर साइकिल निकालो, इलेक्ट्रिक यूज करो, अपना शॉपिंग कर लो, सारा पीछे सामान रख लो, वापस आओ गाड़ी में लोड करो और सीधा घर चले जाओ, तो ये फायदा है इसका। एंड ये तो घर से निकल जाओ आराम से, इलेक्ट्रिक साइकिल आपके पास। एंड रिसेंटली अगर आप शायद मेरी रील भी देखी होगी, जो मैंने इसी का कार्डबोर्ड था, मैं जनरली जो भी बाइसाइकिल
जाती है उसको सेल करने जाता हूँ कार्डबोर्ड को, तो मैं इसी बाइसाइकिल के पीछे रख के चला गया था, तो बहुत ही इजीली मल्टीपर्पज बाइसाइकिल मिल रही है। अब इसका जो टारगेट ऑडियंस मैं बोलूंगा, मेरे को लगता है थोड़ा सा कार्गो बाइसाइकिल में भी आती है, तो जोमेटो राइडर्स होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, फॉर समवन हु ओन्स अ शॉप एंड उसको जल्दी जल्दी सामान देने जाने उसके लिए भी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। एंड और भी इसके यूजेस निकल आ सकते हैं जो कि हम नीचे कमेंट करके बता सकते हैं क्या वेरियस यूज हो सकते हैं इस बाइसाइकिल के। इवन जब मैं इसको फर्स्ट टाइम अपने ड्राइवर को दिखाया था उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी एंड वो मुझे यही बोल रहे थे कि यार अगर ऑफिस में जैम लगता है तो मैं इसको गाड़ी में रख लूंगा, जैम लगेगा गाड़ी साइड लगाऊंगा एंड सीधा घर लेके आ जाऊंगा इसको। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, इस बाइसाइकिल के लिए जो फर्स्ट टाइम मेरे पास ये बॉक्स आया था, सो मैं जस्ट उठाई था नींद से, मैंने इसको बॉक्स को उठाया एंड उस पर कोई भी ग्रैब हैंडल मुझे नहीं मिले थे, मेरी बैक में पेन आ गई थी, मतलब वन डे तक मेरे को बहुत पेन आ रही थी, तो इसका जो वेट है मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा एज पर नॉर्मल बाइसाइकिल, मे बी ई बाइक ऐसे लग रहा था। इसकी जो वो था ना बॉक्स की पैकिंग वो अलग थी, नॉर्मल बाइसाइकिल की तरह नहीं थी, तो तब शायद मुझे इसमें बैक में पेन आया था। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज दैट कि इसके जो हैंडल बार है मुझे काफी ज्यादा हाई लगा, अभी आपको ये सच बताऊँ कि लोएस्ट पोजिशन पे है, ये इससे भी हाई जा सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। एंड ये ऐसे चल जाता है भाई, ऐसे कौन चलाएगा, मुझे ही समझ नहीं, खड़े हो गए चला वो करते हैं यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाई, ऐसे लग रहा है कोई मुझे खींच रहा है, वो वही धूम वाला गाना लगा रहे हैं इस पे। मतलब सच बताऊं तो इसका सबसे मैं लोएस्ट भी कर दूंगा ना, वो मुझे काफी ज्यादा हाई लगता है, मे बी मुझे आदत ना हो गया, इसकी ज्योमेट्री ही अलग है, क्योंकि जो नॉर्मल बाइसाइकिल होती है मैं ऐसे करके चलाता हूँ, शायद इससे मुझे हाई लग रहा है। देन अगर इसकी सीट नोटिस करेंगे, मैंने बोला इसके जैसे दिस इज ओवर कंफर्टेबल, मैं जब मैं इसको साइकिल को चलाता हूँ मुझे ना पेडलिंग करने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी कंफर्टेबल लग रही थी। मतलब जब भी हम साइकिल करते हैं तो हमें चाहिए होता है पतला सैडल ताकि इजिली पेडलिंग हो पाए, तो वो मुझे लगा कि इस पर ज्यादा वाइट दी गई है, मे बी दिस इज बाइसाइकिल जो कि आपको दिए बस थ्रॉटल पे ही चलाओ, तुम पेडल से सिर्फ इमरजेंसी में यूज करो। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज दैट इसकी ब्रेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये आपको लग रहा होगा एडवांटेज है, मैं डिसएडवांटेज इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ना इसको थोड़ा सा मुझे थ्रॉटल करना पड़ता है, थोड़ा आराम से ब्रेक मारो, बिकॉज जैसे ब्रेक मारते हैं उसी टाइम में बाइसाइकिल रुक जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। एंड मैंने एक बार के लिए सोचा था इसमें हाइड्रोलिक आनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है नहीं यार मैकेनिकल भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी ब्रेक्स है ना आपको थोड़ा सा वीक करके चलना पड़ेगा तब जाकर आपको नॉर्मल बाइसाइकिल की आदत पड़ेगी। वैसे मैंने डिसएडवांटेज में ये बोला है कि ये भारी है, लेकिन जब मैंने इसको अनफोल्डेड उठाया बिल्कुल भारी नहीं, अभी यहाँ ऊपर रख रहा था, ये देखो इजिली पिकअप हो जाती है, अभी बाइसाइकिल दिखने में थोड़ी सी डिफरेंट है, तो क्या इस पर व्हीली हो सकती है, नहीं हम वो टेस्ट करने वाले हैं, तो लेट्स सी एंड 3 2 1 भाई 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 फिर से सस्पेंशन मेरे ख्याल से वो हो रही है काफी, क्या हो रहा है, अरे मैंने 7 के लगाए भाई, तो इतनी हैवी क्यों लग रही है, 3 2 1 अबे ये तो हो गया ठीक है यार, नहीं हैवी है वो, तो बैटरी निकाल के होगी व्हीली प्रॉपर, मेरी उससे नहीं होती, बस नाइट वॉक में नहीं होती मुझसे व्हीली, वो बैटरी निकाल के कर पाता हूँ। अब हम एक और चीज़ टेस्ट करें कि इसमें स्टॉप ही हो सकती है कि नहीं, मैंने एक्सीडेंटल मार ली तो मेरे का वीडियो का पार्ट बन जाए, 3 2 1 आराम से आदत नहीं है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट बाइसाइकिल फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर मल्टीपर्पज थिंग्स, जैसे उसको नॉर्मल साइकिलिंग भी करनी है साथ साथ उसको वर्क भी देखना है, जैसे मतलब शॉपिंग करनी है वो कर लो, स्कूल जाना है तो अपने बच्चों को भी पीछे पीछे बैठेगा बच्चा नहीं ना, एक बच्चा तो बैठ जाएगा, तो बैठी थी यार नेहा दुबे बैठी थी पीछे, रील जो थी नेहा दुबे और उसका हस्बैंड चला रहे सब पीछे बैठ, भाई फिर तो अच्छी अच्छा खासे किसी को भी ले जाओ, अब पता नहीं लीगल है कि नहीं है लेकिन हाँ ले जा सकते हो। एंड सच बताऊं तो उसकी शेप बहुत अलग सी है, लोग भी सबसे ज्यादा देखते हैं इसको एंड काफी लोग पूछते हैं इसके बारे में, एंड पूछने की बात ही कर रहे हैं तो उसका प्राइस देख लेते हैं, दैट इज एमआरपी इज क्लोज टू 55,000 रुपीज, अगर आप शॉप में लेके जाएंगे या फिर अमेजोन पे भी चेक करेंगे तो 50,000 रुपीज में बाइसाइकिल मिल रही है। नॉट टॉकिंग अबाउट द मेन थिंग दैट इज द सब्सिडी, अगर आप दिल्ली में देखेंगे इस बाइसाइकिल 15,000 रुपीज की सब्सिडी मिलती है, तो इफेक्टिव प्राइस का 35,000 रुपीज बनता है, एंड टू बी ऑनेस्ट 35,000 में डेफिनेटली ये वर्थ है, ये 50,000 में भी वर्थ है, लेकिन सब्सिडी की बात हो गई नेक्स्ट लेवल चीज हो जाती है, इसके मतलब आप वैसे ही लेना चाहोगे, अगर हम नॉर्मल बाइसाइकिल भी देखोगे ना वो 20,000 से लेकर 30,000 में बेसिक बाइसाइकिल आती है, एंड उस हिसाब से 35,000 रुपीज आपको इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल मिलता है फ्रॉम ई मोटर गार्ड, एंड ऊपर से जो अच्छी खासी चल रही है एंड लोड भी ले सकती है, तो मल्टीपर्पज चीज के लिए मुझे लगता है काफी ज्यादा इफेक्टिव चीज है, एंड फ्यूचर में मुझे लगता है कि ऐसी बाइसाइकिल बहुत बिकने वाली है, बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट या बोल लो या फिर इंडियन गवर्नमेंट देख लो वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है कि आप इलेक्ट्रिक सेट में वो हो जाओ चेंज हो जाओ, मतलब अगर आपको आसपास से जाना है या तो मोटर बाइक निकालते हो या पूरी गाड़ी निकालते हो तो उससे बेटर तो आप साइकिल ही निकाल लो। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो लेट मी टेक सम क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम यूट्यूब, लेट्स सी पुराने वाले वीडियो में फर्स्ट कमेंट किसने किया था, दिस फ्रॉम PGK8 इन लुक फर्स्ट, एंड जो भी फर्स्ट होता है उसको मैं हार्ट मार्क कर देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम यू इज गेमर्स, और लिखा हुआ है व्हाई डू यू अवॉइड फुल सस्पेंशन बाइसाइकिल और रियर सस्पेंशन।
सस्पेंशन. वेल द फैक्ट इज दैट कि जो फुल सस्पेंशन बाइसाइकिल है काफी ज्यादा हैवी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे पास है नहीं, ई मोटर राइड की ही मेरे पास फुल सस्पेंशन बाइसाइकिल है. सच बताऊं ना, फुल सस्पेंशन लेने के बाद तो यार नेक्स्ट लेवल चीज होती है, अलग टाइप का मजा आता है, ऐसे लगता है आप मोटर बाइक चला रहे हो कहीं पर भी. नेक्स्ट क्वेश्चन दिस फ्रॉम प्रवीणा मंगर, इनका है व्हाई डोंट यू बाय वी ब्रेक्स वाली बाइसाइकिल्स. यार वी ब्रेक वाली इश्यूज ये होते हैं कि वी ब्रेक वाली साइकिल्स आती नहीं है आजकल, जो आती है वो 10,000 के अंडर आती है एंड वो इतनी छोटे फ्रेम वाली होती है, फिर इतनी ऑकवर्ड होती है, वो चलाने का फायदा नहीं होता. एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम शिवांश अग्रवाल, लिखा हुआ है कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ कैन वी लॉक द शिफ्टर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पीपल अननेसेसरी शिफ्टिंग ऑन दिस स्टैंड. मैंने ऑलरेडी शायद इसकी रील बनाई हुई, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ. मतलब आपके बाइसाइकिल सेवंथ गियर में है, लोगों ने इसको फर्स्ट में शिफ्ट करेंगे तो गियर वायर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा. तो बेस्ट ये रहेगा, अगर आपको लग रहा है कि बहुत शेडी एरिया में हो तो फर्स्ट गियर चेंज कर दो, जो कि एक पीछे का होगा, एंड आगे का आप थर्ड गियर लगा दो. चेन के तो बहुत करेक्शन नहीं होती, लेकिन इसमें ना बंदा कितना भी छेड़ ले आपकी चेन पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा. सो बेसिकली वे टेस्टिंग नाउ, मेरे कैमरामैन ने बोला कि रेस करते दोनों बाइसाइकिल्स का, वो भी ई बाइक यूज करता है एज अ कैमरा व्हीकल एंड मेरे पास भी ये ई बाइक है एंड दोनों के शेप में फर्क है, मेरे थोड़े मोटे टायर, तो देखते हैं ड्रैग रेस में कौन जीतेगा. तो एक बार एक काम कर, थोड़ा सा स्पीड में चल ले फिर फुल थ्रॉटल. रेडी 3 2 1 गो. फुल थ्रॉटल ऑलमोस्ट सेम है, अभी तो भाग रही है, अब भाग रही है, ओवरटेक कर लिया. गन्ना ओवरटेक 25 रीच. फिर से करना है एक बार, फिर से करते हैं 3 2 1 फुल. तेज है, बहुत तेज है, अब पच्चे सब पहुंची है. अब इनिशियल पिकअप कंपैरेटिवली इसका स्लो है, बट सस्टेन कर लेती है, कर लेती है. यहाँ पर आ जाओ, आपने कहा ना यहाँ से फ्रेम वो करेंगे तो फ्रेम आपका हाफ हो जाएगा, मी टॉकिंग अबाउट पॉलीगन ऑफ रोड. यहाँ से वो करेंगे बिल्कुल हाफ हो जाएगा. साथ में आपको स्पीडोमीटर, एनर्जी बार, ऑडोमीटर, हर चीज इसमें मिल जाती है. मेरे को एक सीन लग रहा था वो खाने वाली एनर्जी बार कह रहे हो. फोन यहाँ अजीब तो नहीं लग रहा? ओए सूट ही कर गया मैंने ना, फोन यहाँ पर रखा ये सूट ही कर गया, हिल भी नहीं रहा. अगर मैं स्ट्रैप वैप लगा दूँ तो ये तो पूरा मोबाइल स्टैंड ही बन गया. एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, गाइस and before ending this video, let's say, क्यों टकराऊं मैं? And before ending this video, let me take some question answers from YouTube. बताते जाइए स्टेटस. और गाड़ी के साथ हूँ मैं, गाड़ी से काट लेगा.